अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रेशर, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं हवा का प्रेशर इतना है, गाड़ी में टायर में हम हवा भर रहे थे, हवा में इतना प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है हम ये डिस्कस। चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेंसिटी, हम डेंसिटी को डिस्कस करते हैं। डेंसिटी का अगर हम उर्दू में मीनिंग देखें, इसका मतलब सकाफत या सकाफती। सकाफत ये वो सकाफत नहीं है जो जिसको हम कल्चर का नाम देते हैं, ठीक है, ये और सकाफत होती है। अच्छा, डेंसिटी को हम डिस्कस यूं करते हैं कि अगर हमारे पास ना एक नेल है, लोहे का कील है, चलिए मैं यहां पर कर लेता हूं, एक हमारे पास नेल है, नेल मतलब कील है लोहे का, और दूसरी तरफ हमारे पास है एक वुडन वुडन पीस है कि लकड़ी का एक टुकड़ा है हमारे पास, ठीक है। दोनों को हम पानी में फेंक देते हैं, इसको पानी में फेंकेंगे, इसको पानी में फेंकेंगे, बताएं कौन सी चीज सिंक करेगी और कौन सी फ्लोट करेगी, कौन सी डूब जाएगी और कौन सी तैरना शुरू हो जाएगी। जो कील होगा ना ये तैरना शुरू हो जाएगा और जो वुडन पीस होगा वो डूब जाएगा, ऐसी है नहीं, ऐसा नहीं है, रॉन्ग है। कील डूब जाएगा, वुडन पीस तैरना शुरू कर देगा, ऐसे क्या। तो जो नेल होगा ये सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, और जो वुडन पीस होगा ये फ्लोट करना शुरू कर देगा, ये तैरना शुरू कर देगा, ऐसी है। कभी सोचा है आपने कि इसके पीछे रीजन क्या है? लोहे की अगर कोई चीज है तो वो सिंक कर जाएगी, लकड़ी या प्लास्टिक है तो वो फ्लोट करना शुरू कर देगी। इसके पीछे रीजन क्या है, क्या क्या मैटर क्या है, क्यों ऐसा होता है? इनफैक्ट जो अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, इसके पीछे वो राज है जिसको हम नाम देते हैं डेंसिटी का, ठीक है। इस डेंसिटी की वजह से जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सिंक कर जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करना, ठीक है। अब डेंसिटी क्या चीज होती है, इस पर आते हैं। डेंसिटी हमारे पास होती है, डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं जी, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का मैस, उसको हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम पर, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर। वॉल्यूम क्या होता है, हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है ना, जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि ऊंचाई जरब लंबाई जरब चौड़ाई, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो हमारे पास नेल होता है वो तो बिल्कुल इतना सा होगा, आप समझ लें वो बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे होगा नेल, ठीक है। और जो वुडन पीस होगा वो तो इतना बड़ा होगा। अब जो नेल है, सपोज करते हैं इसका जो मैस है वो 1 kg है, सपोज कर लेते हैं, और जो वॉल्यूम है इसका वो है जी 0.5, ठीक है, ये सपोज कर लेंगे। इसका मैस जो है उसको कर लेते हैं जी 1 kg, सपोज कर लेते हैं इसका मैस 1 kg है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो नेल के वॉल्यूम से ज्यादा है, उसमें इसका वॉल्यूम जो होगा वो 10 m³ हो, ठीक है। यहां पर पुट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ ऑब्जेक्ट 1/0.5, और दूसरी तरफ इसका हम पुट करते हैं 1/10, ठीक है। इसको हम करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 1/0.5, ये आएगा हमारे पास 2, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, ठीक है। अब बताएं डेंसिटी किसकी ज्यादा है, वुडन की या फिर नेल की? डेंसिटी है नेल की ज्यादा, तो पहले बात की जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सिंक कर जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करना शुरू कर देगा, क्लियर। चलो ये हमारे पास एग्जांपल थी वो जो हमने कर ली, चलें अब इसके डेंसिटी, डेंसिटी को हम लिखते हैं रो से, रो इसको बोलते हैं रो, RHO रो, या फिर डेंसिटी एनर्जी लिख लें, एक ही बात है, मैस मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है, वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम उसी ऑब्जेक्ट का।
तो अगर इसका हम यूनिट की बात करें, डेंसिटी का यूनिट होता है, यूनिट हम पता है फॉर्मूला से निकालते हैं, तो इसका यूनिट होगा मैस, मैस का यूनिट होगा केजी डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम यूनिट होता है मीटर क्यूब, जिसको हम यूं लिख सकते हैं केजी एम माइनस थ्री। ठीक है, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, ये तो हमारे पास हो गया डेंसिटी। हर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, और डेंसिटी डिपेंड किस पर करती है? डेंसिटी डिपेंड करती है मैस और वॉल्यूम पर। ठीक है, तो हम कहेंगे डिपेंडेंस जो है इसकी डेंसिटी की वो है मैस एंड वॉल्यूम। ठीक हो गया, दूसरी चीज पर आ जाए, हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। प्रेशर, एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम का प्रेशर हमारे सर पर, गाड़ी के टायर में हवा का प्रेशर कम है, ठीक है, आज हवा का एनवायरनमेंट में हवा का दबाव, हवा का प्रेशर कम है, ठीक है। हेयर ड्रायर चल रहा है तो उसका हवा का प्रेशर कम आ रहा है, ठीक है। तो हम डिफरेंट चीजों के लिए प्रेशर को हम डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में आ गया प्रेशर क्या होता है। प्रेशर को हम लिखते हैं पी के साथ, ठीक है। प्रेशर हमारे पास होता है जो एक फोर्स लगती है किसी खास यूनिट एरिया पर, ठीक है। हम कहते हैं द फोर्स एक्ट नॉर्मली, हम कहते हैं नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलर की बात है, नॉर्मली टू अ यूनिट एरिया, ठीक है। किसी यूनिट एरिया पर जो फोर्स नॉर्मली एक्ट करती है उसको बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर का पहले फॉर्मूला पी इज इक्वल टू, इसका यूनिट होगा इसकी होगा फोर्स और ये हो जाएगा एरिया ए। ये कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। और इसके हम यूनिट की बात करें अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर। इसको यूं लिख लें या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूं लिख लें, एक ही बात है, ठीक हो गया। देखिए अगर हम बात करें प्रेशर एंड फोर्स, प्रेशर एंड फोर्स की आप इसको जज कर सकते हैं, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे हमेशा वन होगा, तो ये हम अलग से इसको कर देते। चले पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे वन होता है। तो पी के इक्वल क्या है? फोर्स। और वन के इक्वल क्या है? ए। पी के इक्वल एफ है तो पी और एफ का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। लेकिन जो यहां से पी और ए का बन रहा है, पी एंड ए, वो इनवर्सली होगा, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर देखिए, चले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ में। अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास है जी एक दो तरह के हमारे पास शूज है, एक शूज है मेल का और एक शूज है फीमेल का। अब मेल का शूज आपको पता है कि वो बिल्कुल चपटा होता है, इस तरह से ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होगा बिल्कुल चपटा, और जो फीमेल का होगा वो ऐसे ऐसे, और ये हील होगी इसकी, ऐसे होगा ना, ऐसे करके। अब देखें जो मेल का है उसका एरिया ज्यादा है और जो फीमेल का है उसका एरिया कम है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या सपोज किया कि जो एरिया है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे डिस्कस कर चुके हैं, इनवर्सली मतलब जो रिवर्स होता है, जैसे कि उल्टा है। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब बताए मेल का जूता ज्यादा जोरदार लगेगा या फीमेल का जूता ज्यादा जोरदार लगेगा? देखिए बात हो रही है एरिया की, जिसका एरिया कम होगा ना वो ज्यादा जोरदार लगेगा। इसका मतलब है जो फीमेल का जूता होता है उसका एरिया कम होता है, नीचे जो अर्थ के साथ होता है वो अगर मारा जाए ना वो ज्यादा जोरदार लगेगा। तो फीमेल का जो जूता है वो ज्यादा जोरदार लगेगा, मतलब प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसलिए बच के रहना चाहिए, ठीक है। चले
अगर हम एरिया को फिक्स कर दे फोर्स की बात करें तो जो जितने फोर्स लगेगा, देखें इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक बॉल पेन है, उसकी टिप है, मैं इसी को ले लेता हूं। अगर ये टिप यहां पर रखकर दबाया जाए 10 न्यूटन के फोर्स हो जाएंगे, ये हमें ज्यादा जोरदार लगेगा। अगर अब इसको रखकर दबाया जाए तो हमें कम जोरदार लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है वो ज्यादा है और जो अब के बार जो एरिया है वो कम है। तो जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है? और अगर फोर्स ज्यादा होगी तो अगेन वही बात है, प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर होता है, अच्छा एक और चीज याद रखें, जो प्रेशर होता है इसका एक तो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा इसका यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं पास्कल। पास्कल, पास्कल को हम शॉर्ट फॉर्म में PA भी लिखते हैं। पास्कल वाज अ साइंटिस्ट जिसने प्रेशर जो है ना वो डिस्कवर किया, प्रेशर का यूनिट अपने नाम पर रखा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, बात एक ही है, क्लियर? चलेंगे, इसको हम यू भी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, ठीक है? ये चीज याद रखते हैं। इसके फिर और भी यूनिट होता है, टॉर होता है, ठीक है? लेकिन अभी वो हम डिस्कस की हम बात नहीं कर रहे, इसलिए इसको बता नहीं दिया, पास्कल पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये थे आज की लेक्चर हमारा, डेंसिटी क्या होती है और प्रेशर क्या होता है। अगर इन टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आप पोर्टल से